हिमाचल प्रदेश में मौसम की अगर बात कर ली जाए तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश में 4 जुलाई तक मौसम खराब बना रहेगा। प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। सभी लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको, मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान लगाते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया। ऐसे में प्रदेश में 4 जुलाई तक मौसम जो है वो खराब बने रहने की आशंका जता दी गई है। प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का पूर्वानुमान है। सभी लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की गई है, क्योंकि इस दौरान बारिश के जो तूफान है वो भी देखने को मिल सकते हैं। प्रदेश में 4 जुलाई तक अलर्ट जारी किया गया, ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दुर्गम क्षेत्र में ज्यादा बारिश की संभावना जताई गई। प्रदीप ठाकुर शिमला से ब्यूरो जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। प्रदीप, 4 जुलाई तक अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से, फिलहाल प्रशासन के क्या कुछ इंतजाम है जल निकासी को लेकर, ड्रेन व्यवस्था को लेकर, क्योंकि बारिश ज्यादा हो सकती है? बिल्कुल बसंत, देखिए मौसम विभाग की तरफ से ये पूर्वानुमान लगाया गया है और अभी जो अपडेटेड पूर्वानुमान आया है उसमें 6 जुलाई तक के लिए अब मौसम का अलर्ट है। हालांकि इसमें 5 और 6 जुलाई के लिए येलो अलर्ट अब जारी कर दिया गया है, यानी भारी बारिश उस दिन हो सकती है, लेकिन जो 4 जुलाई तक है उसमें भी बारिश की संभावना और पूर्वानुमान इस तरह का लगाया गया है। हालांकि अब मॉनसून जो है वो पूरी तरह से एक्टिव जो है वो हुआ है जिस तरह से, और उसके बाद से हालांकि अभी देखा गया कि एक दो दिन से बारिश ज्यादा नहीं हो रही है, हल्की फुल्की बारिश हो रही है और नुकसान भी ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन अब जिस तरह से येलो अलर्ट जारी किया गया है उससे अब फिर से यही खतरा मंडरा रहा है कि जिस तरह से पहले बारिश हुई है ठीक अगर वैसी ही बारिश हुई तो नुकसान भी उसमें हो सकता है। तो ये अलर्ट है और उसमें प्रशासन को भी पहले से ही अपडेट जो है इसको लेकर किया गया है और अपनी तैयारियां पूरी रखने को कहा गया है कि कई बार इस तरह की घटनाएं भी घटती हैं, जैसे बादल फटने की और बाढ़ आ जाती है, भूस्खलन होता है, ये तमाम घटनाएं होती हैं। लेकिन अभी हमने देखा कि जो अभी 24 जून से जब से मॉनसून हिमाचल में एक्टिव हुआ है उसके बाद से लेकर अब तक लगभग 242 करोड़ रुपए का नुकसान प्रदेश को हो चुका है और अलग अलग घटनाओं से 27 के करीब जो है वो मौतें भी प्रदेश में हुई है। तो कहीं ना कहीं नुकसानदायक रहा है ये शुरुआती दिन मॉनसून के, और अब फिर से एक बार से अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसे में सबको एहतियात बरतने को भी कहा गया है, चाहे वो आम लोग हों या पर्यटक हो, उनसे भी यही अपील है कि जब मौसम खराब हो, बारिश की संभावना हो, तो वो ऐसे इलाकों में बिल्कुल भी ना जाए जहां पर बाढ़ आती है या वहां पर लैंडस्लाइड होती है, चट्टाने खिसकती हैं। और इसके साथ साथ पर्यटकों को भी यही कहा गया है कि आप मौसम देखकर ही अपना सफर जो है अपना टूर प्रोग्राम बनाएं।